अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पकोड़ा प्रीमिक्स की रेसिपी। जैसे कि आप जानते हैं तो इस रमज़ान में हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी रेसिपीज़ मिले जो बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम में हम बनाकर तैयार कर लें। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिससे आप फ़ौरन पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम बनाएँगे आज पकौड़ा प्रीमिक्स की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और इसको आप एक महीने के लिए स्टोर कर रख भी सकते हैं। और ये देखिए, इससे पकोड़े भी बहुत क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। पकोड़ा प्रीमिक्स बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप बेसन। तो यहाँ हमने 3 कप बेसन ले लिया है। 1 कप लेंगे हम चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप थोड़े से चावल ले लें और मिक्सी जार में डालकर एक बारीक पाउडर बना लें तो वो ले सकते हैं। ये ऐड कर देंगे। और अब ऐड करना है हमें इसमें मसाले। 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा यानी खाना सोडा, यह आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट कर लें जब आप बनाएं, उस वक्त आप टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो नमक आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक ले लेना है हमें कंटेनर, कोई भी आप बॉटल ले लें, कंटेनर ले लें, कुछ भी ले लें, और उसमें हमें स्टोर करना है ये प्रीमिक्स। आप इस प्रीमिक्स को 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, पूरे रमज़ान बहुत अच्छे से चलेगा ये। जब भी आप बनाएं, निकालें और बस पकौड़े बनाकर तैयार कर लें। तो हम इसको इसमें भर देंगे। इस प्रीमिक्स से आप बहुत तरह के पकोड़े बना सकते हैं, जैसे कि आलू के, पालक के, मिर्ची के, प्याज के, बैंगन के, गोभी के, आप कोई भी पकोड़े बना लीजिए। कोई किसी भी मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये प्रीमिक्स लीजिए और कोई भी पकोड़े के आलू लीजिए, पालक लीजिए, उसमें डिप कीजिए और फ्राई कर लीजिए, बस ये रेडी हो जाएंगे। तो बस आप इसको बना कर रखिए 1 महीने के लिए और झटपट से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। तो यहाँ प्रीमिक्स ले लिया है, तो 2 कप बेसन ले लेंगे। जितना आप बनाना चाहें उतना बेसन ले सकते हैं। ये देखिए, हमने प्रीमिक्स ले लिया है 2 कप। इसको थोड़ा पानी डालकर हम फेंट लेंगे। तो देखिए, अच्छे से हमने फेंट लिया है। 2 कप बेसन लिया था हमने ये प्रीमिक्स, और 1 कप हमने पानी लिया था। तो सारा पानी हम इसमें डाल देंगे और ये देखिए, अच्छे से इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पकौड़ा प्रीमिक्स बैटर रेडी हो चुका है। 2 मिनट हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, तो इसको साइड कर देंगे। और अब पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने 2 आलू ले लिए हैं इस तरह से, ये देखिए गोल गोल कट कर लिए हैं, थोड़ी सी ले ली हैं ये पत्तियाँ पालक की, 3 हरी मिर्च ले ली हैं जिसको हमने आमचूर और नमक को घोल कर उसके अंदर फिल कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से बहुत टेस्टी बनती हैं ये। 1 प्याज को इस तरह से कट कर लिया स्लाइसेस में, थोड़ा सा हमने हरी मिर्च और हरी धनिया कट कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों के हमें पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम टू हॉट गरम कर लिया है। तो पकौड़े बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आलू के बनाएंगे हम सबसे पहले। इस तरह से इसको कोट करना है और कढ़ाई में डाल देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक साइड से सिक चुके हैं, तो अब इसकी साइडें हम चेंज कर देंगे। ये देखिए, एकदम फूले फूले पकौड़े बन रहे हैं और हमने कोई भी इसमें मसाला इसमें ऐड नहीं किया। जब हमने प्रीमिक्स बनाया था तभी ऐड किया था सभी कुछ। आप नमक एडजस्ट करना चाहें जब आप बैटर बनाएं तो कर सकते हैं। तो बस दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन सेक लेंगे हम इसको। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे क्रिस्पी से पकौड़े सिक कर तैयार हो चुके हैं। 5 मिनट लग जाएंगे आपको इनको सेकने में। तो अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम मिर्ची के पकौड़े बना लेंगे। बस इस तरह से डिप करेंगे इसमें और कढ़ाई में डाल देंगे।
तो ये हमारे मिर्ची बड़े भी ये देखिए सिककर तैयार हो चुके हैं। तो अब ले लेंगे हम प्याज और प्याज के बड़े बनाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन में। तो अब यहाँ पर हम प्याज के भी बना लेंगे, इस तरह से लेंगे और ये कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो ये देखिए इसमें भी अच्छा सा गोल्डन कलर ले लेंगे और एकदम क्रिस्पी होने तक इनको सेकेंगे। तो ये देखिए प्याज के पकोड़े भी अच्छे से सिक चुके हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब इनको भी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर बनाएंगे पालक के, हमने थोड़ा सा बैटर और बना लिया था। तो ये देखिए ये भी एक साइड से सिक चुके हैं, तो साइड इसकी चेंज कर देंगे। पालक के पकोड़े बहुत ही जल्दी सिकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो बस दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से सेक लेंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए पालक के पकोड़े भी अच्छे से सिक कर तैयार हो गए हैं, तो बस इनको भी निकाल लेंगे हम। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में इनको सर्व करेंगे। ये देखिए प्याज के पकौड़े एकदम क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं, ये पालक के और ये आलू के, ये देखिए। तो आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होंगे जब आप ये प्रीमिक्स बनाकर रेडी करेंगे, और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये देखिए हमारे सभी तरह के पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, और इसको सर्व करेंगे हम ग्रीन चटनी और लहसुन की चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इन चटनियों के साथ ये पकौड़े, जब आप बनाएंगे सबको खिलाएंगे तो सब आपकी वाह वाह करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से भी आप इनको सर्व कर सकते हैं, जैसा कि हम बाज़ार जाते हैं और जिस तरह से हमें स्ट्रीट स्टाइल में इनको सर्व कर कर दिया जाता है, तो सेम उसी तरह से हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से डालेंगे हम चाट मसाला और डालेंगे ग्रीन चटनी। तो बस इसी तरह से हमें मार्केट में सर्व करके दिए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, देखने का ही खाने का मन करता है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें खाने का मन करने लगता है। तो चलिए मैं आपको एक पकौड़ा तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी से, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए आप इस तरह से ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।